देख सकते हैं बिल्कुल यह चमत्कारी और रहस्यमयी खबर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हंस हैं और हंस जो है प्रत्येक दिन सुबह में जाकर के बगल के सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात जो है सीधे सरोवर से बाहर निकलते हैं और बाबा भूतनाथ के समाधि स्थल पर आते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें गवाह हैं, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा के समाधि स्थल पर हंस आते हैं, आकर के बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। उसके बाद जो है बाबा से ही भोजन की मांग करते हैं। जब बाबा से भोजन की मांग करते हैं तो मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, उनके द्वारा जो है हंसों के इस जोड़े को भोजन दिया जाता है। और नमस्कार, देख रहे हैं अभी हम गोपालगंज जिले के बाबा भूतनाथ के मठ बणवा में मौजूद हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में हंसों का यह जोड़ा है। और हंसों का यह जोड़ा जो बिल्कुल अद्भुत है, रोज सुबह में बगल के सरोवर में स्नान ध्यान करने के बाद हंस का जो जोड़ा है, तमाम हंस आते हैं और बाबा के समाधि स्थल पर आकर के बाबा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद बाबा से अपने लिए भोजन की मांग करते हैं, तब यहाँ के जो पुजारी हैं उनके द्वारा हंसों को दाना दिया जाता है और दाना खा करके यह हंस जो है मंदिर के प्रांगण में ही विचरण करते रहते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से कितना सुंदर सुंदर हंसों का यह जोड़ा है और यह हंस जो है वास्तव में अद्भुत हैं। बाबा यहाँ मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत। राम राम। ये हंस कब से बड़े थे? हंस जब से बाबा आए नहीं तब से बड़े थे। अच्छा, कितना हंस है अभी? करीब करीब 35 हंस है। 35 हंस। हाँ, सुबह में रोज स्नान ध्यान करके बाबा के समाधि पे प्रणाम करते हैं। स्वयं को सब कुछ ये लोग अपने आप करते हैं, स्वयं से स्नान कर लेना है, स्वयं से समाधि के पास आना है। देख सकते हैं बिल्कुल यह चमत्कारी और रहस्यमयी खबर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हंस हैं और हंस जो है प्रत्येक दिन सुबह में जाकर के बगल के सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात जो है सीधे सरोवर से बाहर निकलते हैं और बाबा भूतनाथ के समाधि स्थल पर आते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें गवाह हैं, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा के समाधि स्थल पर हंस आते हैं, आकर के बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। उसके बाद जो है बाबा से ही भोजन की मांग करते हैं। जब बाबा से भोजन की मांग करते हैं तो मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, उनके द्वारा जो है हंसों के इस जोड़े को भोजन दिया जाता है और भोजन पाकर के हंस यत्र तत्र और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। बिल्कुल यह अद्भुत और अलौकिक खबर मैं दिखा रहा हूँ। इस कलयुग की यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जो है हंस मेरे पीछे भी देख सकते हैं, हंसों का यह झुंड जो है किस प्रकार से हंस यहाँ विचरण कर रहे हैं और हंसों का यह समूह जो है वास्तव में बिल्कुल दिव्य, नव्य और भव्य है, आकर्षक है। इस प्रकार की खबरों को मैं सीधे आपसे दिखाने का प्रयास कर रहा था। बाकी आप इस खबर को किस रूप में देख रहे हैं कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।